जय माधवी कृष्ण। ब्रह्म वैवर्त पुराण के कृष्ण जन्म खंड के चैप्टर 111 में राधा रानी स्वयं यशोदा को राम नारायण कृष्ण जैसे नामों की महिमा बताती है। आज हम राम नाम की महिमा की बात करेंगे। वो स्वयं कहती है, अपने ऐश्वर्यशाली पुत्र का जो साक्षात परमात्मा और ईश्वर है, उत्तम भक्ति के साथ भजन करें। उनके राम नारायण अनंत मुकुंद मधुसूदन कृष्ण केशव जैसे नाम हैं। इन नामों को जो पढ़ता है अथवा कहता है, वह सहस्र कोटि जन्मों के पाप से मुक्त हो जाता है। रा विश्ववाची और म ईश्वरवाचक है, इसलिए जो लोकों का ईश्वर है उसे राम कहा गया है। वह रमा के साथ रमण करते हैं, इसलिए विद्वान लोग उन्हें राम कहते हैं। रमा का रमण स्थान होने के कारण राम तत्व वेता राम बतलाते हैं। रा लक्ष्मीवाची और म ईश्वरवाचक है, इसलिए मनीषी गण लक्ष्मीपति को राम कहते हैं। सहस्र दिव्य नामों के स्मरण से जो फल प्राप्त होता है, वह फल निश्चय ही राम शब्द के उच्चारण मात्र से मिल जाता है। जय माधवी कृष्ण।